हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के, ठीक है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जो कि है आकलन के अनुप्रयोग। उसके कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके थे, लगभग 9 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग आज फॉर्मूला पढ़ के आया होगा, ठीक है। हम लोग हम बार बार बोलते हैं कि जब क्वेश्चन को जब भी तुम लोग सॉल्व किया करो या देख रहे हो तो कम से कम एक बार फॉर्मूला पढ़ लिया करो, भले ही तुम लिख नहीं रहे हो, ठीक है, कि कम से कम तुम देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ इस चीज़ में कैसे करते हैं, ठीक है। और एक लास्ट बात फिर से कह रहे हैं कि सर जितने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इन सब सारे क्वेश्चन को एक कॉपी पे लिखना जरूर, सारे क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्यूशन भले ही मत लिखना, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, बाद में इसको सॉल्व जरूर करना, ठीक है, और देखना कितने कम टाइम में तुम इसे कर सकते हो और सही कर सकते हो। बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक है, करना जरूर है, 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर करना। ऐसा नहीं कि उसको लिख के छोड़ दिए, 1 महीने बाद जब एग्जाम आएगा तब करेंगे, ऐसा नहीं। अभी एक बार हम करवा रहे हैं, देख लो क्या चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें खुद से ट्राई करना है, 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर खुद से सारे क्वेश्चन को ट्राई करना, देखना कि हमको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हम सारे क्वेश्चन करवा के खत्म कर दिए तो तुम उसको फिर से पूरा एक साथ देखो, ठीक है, कि हम कर पा रहे कि नहीं, ठीक है। और बस प्रैक्टिस करना इतना कि तुम्हें टाइम कम से कम लगे और सही से सही ज्यादा हो, ठीक। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु x1 कमा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण निकालना है। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब इतना पता होना चाहिए कि अगर बताओ किसी वक्र पर अगर हमको स्पर्श रेखा निकालनी होती है, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो पहले क्या चाहिए, प्रवणता चाहिए, दिमाग में देखो सारी चीजें तुरंत आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन को पढ़ के अगर लग रहा है कि यार इसमें कैसे करेंगे, सोच रहे इसका मतलब तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत दिमाग में जाए इसको ऐसे करेंगे, तुरंत हाथ चलने चलना है, मतलब चलना ही चाहिए एकदम, रुकना ही नहीं चाहिए ना, सोचना ना पड़े कि इसमें करना कैसे पड़ेगा। अगर इतना सोच रहे हो इसका मतलब तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, अगर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। और स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, जो भी फंक्शन दिया होता है उसका अवकलन कर देते हैं, अवकलन कर दो, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे वाई है तो क्या करना पड़ेगा, डीवाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या एक नंबर एक कांस्टेंट है ना, तो उसका आकलन कितना होगा, जीरो होगा, सभी को पता होगा। एक्स को सेट कर दो तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस में 2x, ठीक है। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमारा देखो आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में x अपॉन में क्या, यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम है। तो अगर बात करें प्रवणता की, अब देखो अगर बात करें प्रवणता की तो जो प्रवणता हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि समझ में आ जाए, ठीक है, जो प्रवणता होगी उसको कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, डी वाई बाई डी एक्स किस पे है, मतलब क्या करना है, एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स वन रखना है, और वाई की जगह क्या रखना है, वाई वन रखना है, ठीक है। मतलब जो हम अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद जो टर्म आता है उसमें क्या करते हैं, एक्स वन और वाई वन की वैल्यू रख देते हैं। अब क्योंकि बिंदु बोला कि एक्स वन कॉमा वाई वन है, तो मतलब जो हम अवकलन किए होंगे वहां पे क्या रख देंगे, एक्स वन कॉमा वाई वन, बस कुछ नहीं करना, हो जाएगा ना। अब मेरी बात सुनो, अब क्या करते हैं, समीकरण, समीकरण का फॉर्मूला पता है, ठीक है, समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण वाई माइनस वाई वन इक्वल टू कितना होता है, यहाँ प्रवणता होती है, प्रवणता कितनी होती है, डी वाई डी एक्स। अब देखो ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए, ठीक है, अब इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए सर फॉर्मूला कहाँ से है भाई, स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला, अगर स्पर्श रेखा का नहीं पता तो भी पता होगा फॉर्मूला कि वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन होता है, यहाँ पे एम क्या होती है प्रवणता, अब यहाँ पे स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता रख दीजिए, सब क्यों रख के सॉल्व करो, देखो कितना आता है, देखो यहाँ पे हो जाएगा भाई, अब देखो यहाँ पे वाई वन लिखे, अब मतलब कोइंसिडेंस है कि भाई वाई वन की वैल्यू वाई वन है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट दिया होता है 1.2 3.4 ऐसा कुछ दिया होता तो वाई वन की वैल्यू वहाँ पर रखते, अब क्योंकि यहाँ पे वाई वन तो है, फॉर्मूले में वाई वन होता है, तो यहाँ पे वाई वन ही दिया ही, तो वाई वन रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको चाहे तो कैपिटल कर सकते हो, तुम्हारे समझाने के लिए बस है, हो जाएगा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रख दो वैल्यू यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स कितनी आ जाएगी, माइनस में एक्स वन अपॉन में क्या वाई वन, ये जाएगा ब्रैकेट में क्या एक्स माइनस एक्स वन, अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, वाई वन, वाई वन इंटू वाई माइनस में क्या वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू
माइनस में एक्स वन इंटू में एक्स और प्लस में क्या एक्स वन का स्क्वायर। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है? ठीक, अब देखो इसको सेट कर लेते हैं, इसको तो कोई सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स वन और एक्स प्लस वाई वन प्लस वाई इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक कर लोगे? अब देखो एक लास्ट स्टेप लिख रहे हैं, लास्ट स्टेप लिख रहा था, ध्यान देना बहुत अच्छे से। देखो देखो ये तो टर्म ऐसे रहेगा, ये टर्म देखो ऐसे रहेगा, देखो इधर लिख रहे जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये टर्म जो होगा ये देखो ये रहेगा एक्स वन एक्स प्लस वाई वन वाई इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। पूछोगे सर ये वाई ये ए स्क्वायर कैसे आया, एक्स वन एक्स, ठीक है, देखो उसको एक्स वन एक्स लिख सकते हो, एक्स एक्स वन लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो इससे मैच करने के लिए, देखो क्योंकि इससे मैच करेगा आंसर वही चीज़ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर सर कैसे है, तो देखो देखो लिखा है ना कि ये देखो वक्र दिया है, इस वक्र पे एक बिंदु है क्या एक्स वन कॉमा वाई वन, ये वक्र है, उस वक्र पे एक बिंदु है एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। तो तुम जानते हो कि अगर किसी रेखा पर या किसी वक्र पर या किसी परवलय पर अगर कोई बिंदु होता है तो क्या करता है वो बिंदु उस परवलय के समीकरण को या उस अति परवलय के समीकरण को या उस रेखा के समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है। मतलब ये होता है, ठीक है, मतलब ये होता है कि जो बिंदु दिया है इस बिंदु को हम यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा बिंदु अगर रखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा कि एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई का मान वाई वन रखेंगे तो वाई वन का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, ये मिलेगा मिलेगा ना बिंदु का मान रखने पर, बिंदु रखने पर पहले ना पता चला दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? बस रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, ये मिलेगा। तो वही वैल्यू ला के यहाँ पर रखे हैं, बस ये पता होना चाहिए, अगर हमें पता होगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा डी वाला, ठीक है, एक्स वन इंटू एक्स वाई वन इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मिलेगा तुम्हारा स्पर्श रेखा का समीकरण। दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं? पहले क्या करेंगे हम लोग प्रवर्तन निकालेंगे, प्रवर्तन निकालने के बाद क्या करेंगे ये सॉल्व कर देंगे, पहले रख देंगे बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोला है किसी वक्र का अविलंब एक्स अक्ष के समांतर है, अगर किसी वक्र का अगर एक्स अक्ष के समांतर होता है तो क्या होगा। देखो बना देना, देखो ये पता है, देखो जैसे ये होता है तो ऐसे ये है, ये हमारा क्या एक्स अक्ष है, ठीक है। बताओ जब ये एक्स अक्ष है अगर अभिलंब, देखो अभिलंब एक्स अक्ष के समांतर मतलब ये अभिलंब हो गया, सोचो अब वक्र कैसे गया, वक्र को छोड़ो वक्र हम नहीं बना रहे, ये अभिलंब हो गया भैया, मान लो ऐसे वक्र हो गया ये वक्र हो गया, ये वक्र पे क्या ये अभिलंब है, अभिलंब जो है अगर ये अभिलंब x अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो कितना कोण बनेगा बताओ, जो एंगल बनेगा इसका x अक्ष के साथ कितना बनेगा, एंगल बनेगा जीरो, एंगल क्या बनेगा जीरो। तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी, अभिलंब कितना होता है बताओ, अभिलंब कितना होता है बताया था ना माइनस में वन अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, यही अभिलंब होता है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन जीरो, टेन जीरो नॉलेज है कि नहीं, ये सब नॉलेज है कि नहीं बताओ, ये कितना होगा टेन जीरो ही होगा ना, पता है ना प्रवणता, अरे प्रवणता जो होती है भैया प्रवणता कैसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स से लिखते हैं, प्रवणता, ठीक है, और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी को हम लोग एम से भी दिखाते हैं, इसी को हम लोग दिखाते हैं टेन थीटा से भी दिखाते हैं कि भाई टेन थीटा भी है, ये टेन थीटा भी क्या बताता है कि उस रेखा का एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण, वही जो होता है, तो कोण कितना बना है अगर वो एक्स अक्ष के समांतर तो कोण कितना बनेगा जीरो बनेगा, तो टेन जीरो हो जाएगा, तो टेन जीरो की जो वैल्यू होगी भाई उसका एंगल बनेगा, बस यही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, देखो इसके लिए रखो ये देखो ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा क्या माइनस में डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू यहाँ पे टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बता दो, टेन जीरो वैल्यू कितनी होती है टेन जीरो अपॉन में क्या कॉस जीरो होगा कि नहीं, टेन जीरो अपॉन में कॉस जीरो, इसको भी चेंज मत करो, इसको जाने दो, अभी चेंज मत करो, पहले वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, पहले वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा माइनस में वन अपॉन में
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन जीरो, देखो साइन जीरो तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो जीरो बाई वन। अभिलंब क्या लिखा है, अभिलंब ये लिखा है ना किसी वक्र का अभिलंब एक्स एच के समांतर है, अभिलंब की प्रोणता कितनी होगी माइनस वन वन डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है बस। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको आगे आगे सॉल्व करोगे तो बताओ ये देखो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जाएगा कितना डी एक्स बाई में डी वाई, माइनस का कोई मतलब है नहीं, मतलब माइनस है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इधर कितना हो जाएगा जीरो बटा वन, जीरो बटा वन के लिए कितनी होती है जीरो होती है, ये बोल सकते हैं जीरो बटा वन जीरो, ठीक है। देखो इसको हमको सॉल्व करना है ना, ऐसे इमेज करना सर इसका मल्टीप्लाई करके जीरो कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं करना हमको, उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो माइनस में आएगा, माइनस में है, और इसको हम लागे बोल सकते हैं क्या कि डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू कितना जीरो, ये अभिलंब के केस में हो गया, ये तुम्हें याद रखना, समझे कि नहीं। स्पर्श रेखा पर अभिलंब होगा ना, एक सेकंड ये मतलब का फिगर गलत बन गया है, ये स्पर्श रेखा होगी ना, ये स्पर्श रेखा होगी तो अभिलंब ऐसे नहीं बनेगा ना, तो इसका फिगर अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ना, फिगर तो बनाने में दिक्कत हो रहा है, चलो फिगर बना देते हैं, देख ले दिखा दे रहे हैं कि कैसे है। अभिलंब जो है वो एक्स एच के समांतर है, अगर अभिलंब अगर एक्स एच के समांतर है तो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, हाँ अब ये ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे होगा, ये हमारा क्या होगा स्पर्श रेखा होगा, ठीक है देखो ये हमारा स्पर्श रेखा होगा, ये इस पर अभिलंब होगा, ये स्पर्श रेखा होगा ना, ठीक है हो सकते हो स्पर्श रेखा क्या होगा 90 अंश पे होगा, और ये क्या होगा ये अभिलंब होगा, अभिलंब कितने पे होगा, अभिलंब जो तुम्हारा होगा वो 0 डिग्री पे होगा, ये तुम्हारा अभिलंब होगा, ऐसे होगा। बस ये चीज ध्यान देना कि स्पर्श रेखा अभिलंब क्या होता है, माइनस में वन अपॉन डी वाई डी एक्स होता है, ये सबको पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 6 में है, ठीक है अवकलज के अनुप्रयोग में। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, बोला किसी वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि 0.4% सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी। देखो देखो जब भी अगर दर वाली बात आए तो बस इसको देखा करो, यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये समय का सापेक्ष किया है, तो समय का सापेक्ष किया है इसका मतलब क्या दिया है हमको, त्रिज्या दिया है, मतलब हमको डी आर बाई डी टी दिया है, क्या दिया है डी आर बाई हमको डी टी दिया है, तो अगर हमको डी आर बाई डी टी अगर पता है तो लिख लो, परिधि निकालना है तो परिधि का फॉर्मूला लिखो, उसका अवकलन कर दो किसके सापेक्ष में, भैया अगर ये समय का सापेक्ष है तो वो भी समय का सापेक्ष हो जाएगा, मतलब टी के रिस्पेक्ट में उसका भी अवकलन कर देंगे, ठीक है कुछ नहीं करना है। देखो क्या लिखोगे हमको, देखो क्या दिया लिखा है डी आर बाई डी टी कितना लिखा है 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है क्या पूछा पेरीमीटर परिमाप, परिमाप का क्या होता है फॉर्मूला 2πr होता है, इसका अवकलन करो देखो क्या लिखोगे dp पी बाई डी टी, अब अगर t का सापेक्ष देखो अगर अवकलन करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2π, r का कितना हो जाएगा dr आर बाई डी टी, बस अब वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने तो आ गई, इतना तो उम्मीद कर रही है हम, ठीक है 2π इनटू में इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.4 मल्टीप्लाई कर लो तो 0.8π। और देखो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा तो पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर भी क्या होता है पेरीमीटर की लंबाई लेंथ में होती है, मतलब सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में ऐसे होता है, तो अगर सेंटीमीटर में ही है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में होगा, बस तो लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, देख लो कोई आंसर अगर अगर कोई आंसर मैच कर रहा है तो हो जाएगा, ठीक है तो ये भी वाला है 0.8π सेंटीमीटर पर सेकेंड, एकदम ईजी है, एकदम सबको आ जाना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये बताओ प्रतिच्छेद कोण निकालना, प्रतिच्छेद कोण निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, आना चाहिए फॉर्मूला सबको आना चाहिए, ठीक है पहले दोनों प्रतिच्छेद बिंदु निकालो सभी लोग कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, क्योंकि जब प्रतिच्छेद बिंदु पता होगा तभी ना कोण निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है देखो अगर तुम्हें दो वक्रों के बीच का मतलब दो वक्रों के बीच का प्रतिच्छेद कोण निकालना है तो तुम क्या करोगे, उन दोनों रेखाओं के उस बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण निकाल लोगे बस, ठीक है क्योंकि जो इस पर जो हम बोल सकते हैं कि जो वक्र होता है वक्र पे क्या होता है हर जगह उसकी प्रवणता अलग अलग होती है, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा मतलब जहां पर ये काटेंगे दोनों जो ये दोनों वक्र है जिस पॉइंट पर काटेंगे उस पॉइंट पर
दोनों के स्पर्श रेखाओं की प्रवणता निकाल लो, फिर उन दोनों के बीच का कोण निकाल लो। ठीक है, अब आना चाहिए। तो पहले निकालते हैं प्रतिच्छेद बिंदु कि भाई ये कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहां प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर दोनों के स्पर्श रेखाओं की प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, तो देखो करने जा रहे हैं, पहले निकालो प्रतिच्छेद बिंदु। कैसे निकालते हैं, y = कितना लिखा है, देखो y = लिखा है x स्क्वायर इक्वेशन नंबर एक। ठीक है, फिर y = लिखा है x के पावर 3 इक्वेशन नंबर सेकंड। किसी की वैल्यू उठा के किसी में रख दो, मान लो इसकी उठा के इसमें रख दो, तो x cube = x स्क्वायर हो जाएगा। इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा, x = 1 आ जाएगा। ठीक, अगर x = 1 है तब तब y = कितना होगा, x = किसी में रखो देखो वही आएगा, y = भी कितना आएगा वही आएगा। तो x = 1 y = 1 आ गया, मतलब जहां पर काटेंगे उस बिंदु का मान होगा 1, 1। इतना क्लियर है। अब देखो निकालते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखो अगर इसकी निकालेंगे, इसके स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ले पहले वाले का, तो कितना लिखोगे, लिखोगे dy/dx = कितना 2x। फास्ट करें समझना, हो जाएगा। अब किस बिंदु पर निकालना है भैया, किस बिंदु पर निकालना है, तो 1, 1 पे, तो 1, 1 पे निकाल लो। तो dy/dx एट 1, 1 कितना हो जाएगा, 2 जाएगा। x को क्या रखोगे, वन रखोगे ना, x = 1 रख देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2। सेकंड वाले करो, सेकंड वाले का इसका करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, सेकंड वाले का निकालो स्पर्श रेखा। देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए बस इतना देखो, इतना या देखो, अगर जिसी को नहीं आ रहा है उसके लिए मैं बता रहे हैं, अगर तुम्हें किसी भी वक्र पर अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो बस इतना ध्यान देना कि उसका आकलन करते हैं, तो आकलन करने के बाद मिलता है उस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। बस आकलन किए, देखो आकलन कर दिए, लिख दिए dy/dx। आकलन करने के बाद बस क्या करेंगे, यहाँ पर जाएगा कितना 3x2, वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो, क्या रखना है 1, 1। देखो रखोगे तो हम देख सकते हो 3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अब देखो अब आना चाहिए प्रतिच्छेद कोण निकालने कि प्रतिच्छेद कोण कैसे निकालते हैं, प्रतिच्छेद कोण निकालने आना चाहिए। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है क्या होता है, याद है, थीटा इक्वल टू, या ऐसे बोल सकते हो, चलो हम लिख दे रहे हैं, ये होता है ना टैन थीटा इक्वल टू मॉड में, ऐसे होता है, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से बड़े में से छोटा घटा दो, मतलब वो तो अपने आप ही रहेगा, वो भी 1+m1 × m2। लगाओ फॉर्मूला, वो तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है, जब भी देखो ये आएगा तो मॉड में आएगा, तो जो भी बाहर आएगा वैल्यू प्लस में आएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे 2+3 अपॉन में क्या 1+ कितना 2 × 3। सॉल्व कर लो तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 5/7। कोई आंसर दिया 5/7? ओहो, की गलत हो गया क्या हम लोगों का, माइनस करना होता है ना, हम लोग प्लस करती हैं। ठीक है, ये माइनस का साइन होता है ना, हमेशा बड़ी में से छोटे को माइनस करते ही लिखे है ना। बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तब पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मॉड लगा है तो मॉड उसको प्लस में कर देगा। अगर तुम 2-1 लिखते हो तो आएगा माइनस में, पर मतलब अगर लिखते हो 2-3 तो आएगा -1, क्योंकि मॉड लगा तो भाई प्लस 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 वैसे भी आएगा। ठीक है, तो प्लस 1 तो हमारा वैसे भी आएगा ही, यहाँ पर जाएगा 1, ऐसा जाएगा टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, प्लस मिलेंगे तो ये एंगल आएगा। देखो पहले हम क्या किए, पहले हमने क्या प्रतिच्छेद बिंदु की जो ये दोनों वक्र हैं, जो पहला है दूसरा है, दोनों कहाँ काट रहे हैं, जहां काटेंगे उस पॉइंट पर दोनों के स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें। किसका स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखो जो ये dy/dx ये क्या है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो पहले वाले का स्पर्श रेखा की प्रवणता इतना आया है, दूसरे वाले का कितना है, इतना आया है। अब दो रेखाओं के बीच का, जब दो रेखा क्लास 11th का चैप्टर है, ठीक है, अगर दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो उन दोनों के बीच का जो कोण होता है tan थीटा इक्वल टू होता है m1 या m2-m1 बोल सकते हो, लिख दो m2-m1। ठीक है, जो भी तुम्हारा मन हो, ठीक है, बस वो साइन इसलिए लगाएं कि मतलब बड़े से छोटे को माइनस करना कि भाई आंसर प्लस में आए। ठीक है, वैसे भी मॉड लगा ही प्लस हो ही जाएगा। ठीक है, तो m2-m1, फिर ये tan चला जाएगा उधर, तो जाएगा tan इनवर्स 3-2 अपॉन में क्या 1+2 × 3। बस करोगे आ जाएगा 1/7, ये एंगल बनेगा कि हाँ। तो देखो जो जो कोण उन दोनों के स्पर्श रेखाओं के बीच का बनेगा वही कोण उन दोनों के बीच का बनेगा, बस यही काम करते हैं। अब देखो ये तरीका, ये स्टेप तुमको याद होना है कि अगर कभी भी अगर दो वक्रों के बीच का कोण पूछे, या कभी भी, ठीक है, अगर दो वक्र दिए
उनके बीच का कोण पूछ रहा था, तो हमें क्या करना है, हम उनके स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण निकालेंगे, क्योंकि जो उनके स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बनेगा वही उनके बीच का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रख के याद रखना है, ठीक है, कि दोबारा कभी आए तो सोचना न पड़े, तो फटाक से करो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, जो बिंदु दिया उसको रखो, निकालो निकालो प्रतिच्छेद कोण का फॉर्मूला लगा उस पर लगा दो, बस काम खत्म। ठीक है, इसका बताओ। अब देखो ये सब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो ज्यादा डिटेल नहीं करना, आराम से करना, थोड़ा फास्ट करना, थोड़ा समझ करना है, बस चीजें कैसे हैं बस वो समझ आना चाहिए। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं बताओ, अगर 84 के पावर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये कितना है, ये जो है तुम्हारा, देखो इसमें देखो ये करते हो ना, इसमें मानते तो ये किस टाइप का है, ये फंक्शन जो है वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स के पावर 1/4 टाइप का है ना, ये फंक्शन जो है टाइप का है, बताओ इसमें क्या करते हैं, इसका प्रोसेस आपको याद है। अब देखो जो प्रोसेस पूरा है वो नहीं करना याद, बस डायरेक्ट क्या था फॉर्मूला याद है, ये होता है फॉर्मूला कि f अगर x प्लस डेल्टा x निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है f ऑफ x प्लस इसमें डेल्टा y, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, f x प्लस डेल्टा x मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू दी है वो पूरा का पूरा सेम टू सेम, जो वैल्यू दी है वही पूरा का सेम टू सेम। और f ऑफ x क्या होता है, f ऑफ x मतलब क्या होता है कि भैया जो तुमको वैल्यू निकालनी है, देखो ये x है ना, तो यहाँ पे मानते हैं, याद करो मानते हैं क्या, मानते हैं याद आ रहा है क्या मानते हैं, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानते हैं जिसका 1/4 निकल सके, जिसका 1/4 निकल सकते, बताओ किस नंबर का पावर 4 82 के पास होता है। तो देखो अब इन सब के लिए कोई ट्रिक नहीं है, याद होना चाहिए, या तो तुम इसका फैक्टर करो, फैक्टर करके देख लो, वैसे फैक्टर करो देखो कितना आता है। ठीक है, उससे कुछ पता चलेगा नहीं, याद होना चाहिए। देखो मेनली 2 का आता है, 3 का आता है, 5 का आता है, ठीक है, ये सब 6 का आता है, तो इतना तुम्हें याद होना चाहिए, और लगभग 4 घात तक तो याद होना चाहिए। देखो बहुत अधिक घात नहीं देगा, अगर बहुत अधिक घात देगा तो नंबर उसमें तुम्हें 1 लिख देगा। ठीक है, तो तुम्हें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, सबका पावर कम से कम 4 तक 5 तक तो आना चाहिए, कि हाँ 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 के पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, कि तुम्हें देखते आइडिया मिल जाए कि हाँ इसको क्या मानेंगे। तो देखो हमको पता है कि अगर 81 होता तो इसका आंसर 3 होता, तो x इक्वल टू हो जाएगा 81, और तो डेल्टा x, तो डेल्टा x मतलब होता कितना बच गया, तो 1 बच जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू 1। कितना करते कि नहीं, जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो पहला स्टेप होता है कि मानने वाला कि भाई किस टाइप का फंक्शन है, तो मान लेते हैं y इक्वल टू x के पावर 1/4, ये वाला फंक्शन है इस टाइप का है, और इसमें बोलते हैं कि x इक्वल टू क्या मानेंगे, तो ऐसी वैल्यू जिसका हमको परफेक्ट वैल्यू मिल जाए, अगर 1/4 है तो मतलब किसका 4 घात का रूट हमको मिलेगा, तो 81 का होता है 3 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1 बच जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये लाइन सबको आना चाहिए, अभी लाइन कैसा है समझाएंगे, हम समझाएं बहुत अच्छे चैप्टर में, अगर नहीं समझो तो एक बार देखना, ठीक है, पढ़ा जाएगा। तो इस चीज को ऐसा रखना कि हाँ ये करते हैं, यहाँ पर रखते वैल्यू, देखो एफ एक्स मतलब कितना होता है, एफ ऑफ एक्स मतलब तो कितना कि x के पावर कितना 1/4 प्लस में डेल्टा y, ये होता है। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। अब देखो इसकी जो वैल्यू होगी हमको तो फाइंड होती नहीं है, तो इसको मैं ऐसे छोड़ देते हैं, और यहाँ पर देते हैं 3 प्लस में क्या डेल्टा y, बस इसी को हम समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। अब इसी में क्या करना होता है, डेल्टा y को रखनी होती है। अब डेल्टा y कैसे आता है, इस प्रोसेस को याद रखना है, डेल्टा y को कैसे आती है, तो ध्यान देना, तो होता है कि डेल्टा वाई की जो वैल्यू आती है वो आती है डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, ऐसे करने से हमको डेल्टा वाई की वैल्यू मिलती है। देखो ये सब प्रोसेस आना चाहिए, देखो इसको तुम छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें आता है तुम डायरेक्ट करोगे सर डेल्टा वाई वैल्यू निकाले, फटाक से रखे जोड़े आगे आंसर, फटाक से करो, हम समझा रहे हैं, हम बता रहे, देखो ये सब प्रोसेस होता है कि भाई तुम अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए तो तुम्हें पता है कि पहले ये मानते हैं फिर ये करते हैं, ऐसे करके आराम से कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो हमको करना है कि हमको तो पता ही आंसर 3 आएगा, 3 से ज्यादा आएगा, डेल्टा वाई का मान आराम से निकालेंगे, रख देंगे वैल्यू। ठीक है, अब बस तुम्हें ये सब याद रखना है कि डेल्टा वाई, अब देखो डी वाई डी एक्स मतलब क्या होता है, जो फंक्शन दिया उसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा 1/4, अवकलन करने आना चाहिए, एक्स के पावर 1/4 का अवकलन कितना होगा, तो एक्स 1/4 आगे चला जाएगा, एक्स के पावर कितना होगा 1/4 से 1 घट जाएगा, तो -3 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स के पावर कितना 3/4 इंटू में क्या डेल्टा एक्स। अब रखते हैं सबकी वैल्यू। ठीक है, अगर इसमें अगर किसी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछेगा तो बताएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं बताएंगे। डेल्टा एक्स वैल्यू 1, ठीक, तो यहां से हमारा डी वाई डी एक्स कितना जाएगा, देख लो ध्यान से, 1/4 81 के पावर कितना है 3/4, तो देखो पहले 1/4 अलग करेंगे, तो 81 के पावर जो 1/4 उसके 3, फिर 3 के पावर 3 27 चौका
सत्ताईस चौका कितना हो जाएगा भैया, सत्ताईस चौका भैया गुणा करना पड़ेगा, ये तो सात चौका अट्ठाईस, सात चौका अट्ठाईस का आठ लगा दो, चार दो आठ, आठ दो दस, बहुत लंबा जा रहा है, एक सौ आठ कितना आ रहा है, डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन में एक सौ आठ। अब चाहो तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर रख दो, डिवाइड करके रख दो आराम से, कि वन बाई एट को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करके रख दें आराम से, रख के प्लस कर लेना, ठीक है हम रख दे रहे डायरेक्ट। जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे दस होगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे सौ होगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे हजार होगा, तो हजार होगा तो आठ बार में जाएगा, आठ बार में जाएगा, आठ सौ नौ बार में जाएगा, नौ 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 कैसी, लगभग जीरो पॉइंट जीरो नौ आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है देख सकते हो उसके आगे भी आएगा, लेकिन हम जीरो पॉइंट जीरो नौ लिख सकते हैं, बताओ जीरो पॉइंट जीरो नौ का आंसर दिया है, ठीक है हाँ एक आंसर तो दिया है, तो वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देख लेना अगर डिवाइड करना अगर मेरा गलत होगा तो तुम लोग को करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है समझ रहे हो कि नहीं, वो एप्रोक्स डिवाइड कितना आएगा बस उसके लिए यहाँ रख दो, जोड़ दो आंसर आ जाएगा 3.009, ठीक है 3.009 तो वह चेक कर लें, एक बटा चार का वैल्यू हो जाएगा तीन, तीन के पावर तीन सत्ताईस, तो सत्ताईस सात चौका अट्ठाईस का आठ से लगा दो चार दो आठ, आठ दो दस एक साठ हो जाएगा, फिर इसमें इसमें लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे दस होगा, दस भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे जीरो बढ़ाएंगे सौ हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे हज़ार हो जाएगा, चलो ठीक है इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है कर लोगे सब लोग, ठीक है आगे बढ़ा जाए, चलो आगे आते हैं। अब देखो देखो इसमें निकालना वर्धमान और ह्रासमान फलन, देखो वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए क्या करते हैं, देखो सिंपल तरीका पहले इसका आकलन करते हैं, देखो अब तरीका बता रहे हैं कि वृद्धमान है ह्रासमान है, निकालने तरीका क्या होता है, पहले आकलन करते हैं, आकलन करो चलो आप इसका करते हैं आकलन, क्या करते हैं आकलन, आकलन करो ये जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस तीस एक्स प्लस में छत्तीस, ठीक है एफ डैश एक्स कॉमन करो, कॉमन करो कितना हो जाएगा सिक्स कॉमन कर लो तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाँच छक्का तीस प्लस छः छः का छत्तीस ये आएगा, और कुछ तो बनेगा नहीं ना, तीन दोना के छः छः एक्स स्क्वायर हो जाएगा पंद्रह तीन तीन पंद्रह दोना तीस एक्स हो जाएगा प्लस में छत्तीस एक्स हो जाएगा, ठीक है इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है अगर देखो इसका फैक्टराइज करोगे देखो सिक्स हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस में सिक्स एक्स प्लस में एक्स माइनस में सिक्स नहीं होगा, तो ये क्या इतना हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स माइनस में थ्री एक्स प्लस में सिक्स, अब फैक्टराइज कर लो इसको तो एफ डैश एक्स इक्वल टू सिक्स, ठीक है एक्स कॉमन करोगे तो एक्स माइनस टू आ जाएगा, माइनस थ्री कॉमन करोगे एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू आ जाएगा, ठीक है दिख रहा है ना, देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, हमको मिल जाएगा क्या कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा सिक्स एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री मिल जाएगा, ठीक है अब बस क्या करते हैं देखो सिंपल सा कुछ करते नहीं है, बस इसको नंबर लाइन पर से बनाते हैं, नंबर लाइन में बनाते हैं, देखो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू टू मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री मिल जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, देखो दो तीन इंटरवल बनना है, देखो एक इंटरवल क्या बनेगा क्लोज इंटरवल, दो की वैल्यू दो की इक्वल ले लिया है, चलो तो हम भी लेते हैं आओ एक देखो एक ले लेते हैं माइनस इन्फाइनाइट से लेकर दो तक, ठीक है दो से लेके तीन तक, ठीक है तीन से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है बताओ ये वैल्यू ले ली, ठीक है
तो किस अंतराल में ये होगा, ठीक है, ये रहे, अंतराल नहीं देना चाहिए था, को अंतराल कुछ अलग देना चाहिए था, ये अंतराल ऐसे दे दिया, तो चलो जो अंतराल दिया उसी अंतराल में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, जो अंतराल दिया उसी अंतराल में चेक करते हैं। देखो बस, देखो आराम से करो, सुनो देखो बस, बताओ जीरो से, ठीक है ध्यान देना, देखो दो से लेके इनफाइनाइट के बीच में, देखो दो से लेके इनफाइनाइट के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट, देखो दो से पहले क्या आएगा भैया, दो से पहले देखो जीरो आएगा, तुमको पता है जीरो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, देखो एक आएगा फिर जीरो आएगा, जीरो आएगा ही ना, तो जीरो रखो, किस में रखते हैं, एफ डैश एक्स में, तो ये एफ डैश एक्स है इसी में रखते हैं क्या, एक्स इक्वल टू जीरो रखो, देखो अगर हम रखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो तो जीरो हो जाएगा माइनस में टू, जीरो हो जाएगा माइनस में थ्री, तो माइनस टू इंटू माइनस थ्री हो जाता है क्या प्लस में सिक्स, मतलब आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, मतलब इस पे आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। दो से लेके तीन के बीच में रखो, देखो दो से तीन के बीच में कौन आंसर आएगा, दो से तीन के बीच में कोई रखो, दो से बड़ा तीन से छोटा, मतलब ढाई देते हैं, ढाई ढाई आएगा ना, तो ढाई रख देते हैं भैया, ऐसे बस करते हैं बस साइन निकालो, ढाई रखो यहाँ पे, देखो ढाई रखोगे ढाई में से हो जाएगा, अगर ढाई में से अगर दो जाएगा तो आंसर आएगा प्लस में, ढाई में से अगर तीन जाएगा तो आंसर आएगा माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब आंसर किस में आएगा माइनस में आ जाएगा, मतलब ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तीन से लेके इनफाइनाइट, अब देखो तीन से लेके इनफाइनाइट में जो कोई पॉइंट ले लो, मान लो चार ले लिए, चार भाई चार तो आएगा नहीं कहीं कहीं, चार चार रखो, देखो चार से दो जाएगा दो आएगा प्लस में आ जाएगा, चार से तीन जाएगा एक आएगा प्लस में आ जाएगा, मतलब प्लस अगला प्लस से तो आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। तो किसमें वर्धमान हुआ फलन जो है, किसमें वर्धमान है, देखो माइनस दो से इनफाइनाइट में वृद्धिमान है, माइनस इनफाइनाइट से दो में, माइनस इनफाइनाइट से दो में वृद्धिमान है, हाँ ये इसमें वृद्धिमान है, प्लस है ना, प्लस है मतलब वृद्धिमान है, मतलब ये चीज सही है, मतलब ये वाला तो बात सही है, ये वाला बात सही है, ठीक है। दूसरा भी देख लो, तीन से लेके इनफाइनाइट में ह्रासमान है, नहीं गलत है, देखो तीन से लेके इनफाइनाइट में क्या है प्लस में, मतलब वर्धमान है। दो से तीन में वृद्धिमान है, देखो दो से तीन में लिखा है कि दो से तीन में वृद्धिमान है, बताओ दो से तीन में वृद्धिमान नहीं माइनस में, मतलब ह्रासमान है, ये भी गलत हो गया, वैसे ही पहले से हो तो पहले से हो गया, बात खत्म, ठीक है। ऐसे देखो करते हैं, अगर किसी फंक्शन को तुम्हें चेक करना है कि वो ह्रासमान है कि वर्धमान है, बस सिंपल तरीका लगाना है कि जो फंक्शन दिया होगा उसका अवकलन करेंगे, देखो हम सिंपल से देखो जो फंक्शन दिया था इसका कहीं अवकलन, ठीक है, बस अवकलन करो, अवकलन करने के बाद, अवकलन करने के बाद जो ये फंक्शन देखो आता है इसको जीरो के बराबर करते हैं, ठीक है, इसको जब तुम जीरो के बराबर करोगे ना, जीरो के जब बराबर करोगे लिखोगे ना कि x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा भैया, टू मिलेगा, ठीक है, इतना तो आना चाहिए, x माइनस थ्री था इसको जीरो के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा, तो जो ये x इक्वल टू टू आया है, x इक्वल टू थ्री आया, क्या करोगे इसको नंबर लाइन पे दिखा दोगे, नंबर पे दिखा दे भैया टू और थ्री कहाँ गया, तो टू यहाँ पे आ गया, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, बस। अब इसी से जो अंतराल बटा है बस देख लो कि किस अंतराल में है, तो अंतराल अगर चेक करना होता है कि प्लस है कि माइनस है, तो उसके बीच का कोई भी बस एक बिंदु निकाल के एफ डैश एक्स में रखो, ठीक है, अब कैलकुलेशन करके पूरा मान निकालना, बस तुम्हें देखना है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बस साइन देखो, प्लस में आया तो वर्धमान है, माइनस में आया तो ह्रासमान है, तो ये वाली बात सही हो गई, ठीक है, तो ऐसे करेंगे चेक, हो जाएगा सब लोग, ठीक है, तो सभी लोग करना, ठीक है, सभी लोग करना, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में किया जाएगा, ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही, ठीक है, तो जितने क्वेश्चन करवाए हैं एक बार सभी लोग खुद से ट्राई करना और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना, देखना देखना होता है कि नहीं, ठीक है, चलो।